हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिजवान। एक बार फिर से नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए कुछ मैं चर्चा कर रहा हूं आज अपने बिस्फी के मुद्दे पे। और मैं चाहता हूं कि इस चर्चे में आप लोग हमारा साथ दीजिए, और ये चर्चा आपको कैसा लगा इस पे ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा। मैं माननीय मोदी जी, मैं अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और दिल से शुक्रिया अदा करने की वजह क्या है, ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मोदी जी, एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, क्या आप लोगों को याद होगा कि NRC जो आया था, काला कानून, NRC से पहले बिस्फी ब्लॉक में कितने समाज सेवी को आप लोग जानते थे? सही से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, कितने समाज सेवी को जानते थे NRC से पहले? NRC में जो नंगा नाच किया था ना, ये लोग जो नंगा नाच किया था, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। NRC से हुआ क्या? NRC से इन लोगों को आप लोगों ने फेमस कर दिया। किसको फेमस कर दिया भैया? जिसको गांठ धोने की तमीज नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको गांठ धोने की तमीज नहीं, उसको आप लोगों ने फेमस कर दिया। आप दुर्भाग्य देख लीजिए हमारे ब्लॉक का, हमारे पंचायत का दुर्भाग्य देख लीजिए कि जिसको साला गांठ धोने की तमीज नहीं है, वो समाज सेवी का टैग लगाए फिर रहा है, अपने आप को समाज सेवी का टैग लगा लिया। तो ये सब जो है ना, सिर्फ आप लोग करते हैं। मैं आप लोगों से नाराज हूं, मैं आप लोगों से, समझ लीजिए कि मेरा मन जो है ना आप लोगों से उदास है। आप लोग NRC से पहले कौन लोग समाज का सेवा करते थे? NRC से पहले कौन लोग क्या करते थे? अच्छा, आप ये बताइए, आप लोगों ने इन लोगों को समाज सेवी का टैग अपने आप को ये लोग देने चालू कर दिया ये NRC के बाद इन लोगों को कोई पहचानने लगा। दूसरी बात, आप लोग कभी ये गौर किए हैं कि ये जो गांव के अंदर रह रहा है, गांव के अंदर इसका कुछ काम नहीं है, गांव के अंदर बेरोजगार घूम रहा है, एकदम इधर से उधर हो रहा है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि ऐसे समाज सेवी को कुछ रोजगार दे दीजिए, ताकि हमारे गांव, हमारे ब्लॉक, हमारे जिला का कुछ भला हो जाए। हाँ, तो गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसे समाज सेवी ये कैसा समाज का सेवा कर सकता है? कैसे, जरा आप ही लोग कमेंट करके बताइए तो किस तरीके से। इसको देखे हैं किसी मस्जिद में चंदा देते हुए? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। इसको देखे हैं कि किसी इमाम का एक साल में एक बार तनख्वाह होता है, एक तनख्वाह देते हुए इसको देखा है आप लोगों ने? आप लोगों से सुना है? नहीं सुना है। बस ये फेसबुक पे फलनमा क्या कर रहा है ये लिखेगा, ढिमकनमा क्या कर रहा है ये लिखेगा। इसकी औकात क्या है, आप लोगों ने कभी गौर किया? ये खुद क्या है, दो कौड़ी का एक्टर, कभी आपने गौर किया? आपने कभी इस बात को गौर नहीं किया? क्यों आपने गौर नहीं किया? आप लोग गौर कीजिए कि ये मतलब करता क्या है। ये जो दिन रात गाड़ी चढ़ता है, इसकी गाड़ी में तेल कहां से आता है? इसका बाप अंबानी नहीं है, इसका बाप अडानी नहीं है, ये किसी सांसद का बेटा नहीं है, ये किसी माननीय मुख्यमंत्री जी का बेटा नहीं है। तो ये कहां से आता है, कभी आप लोग गौर करते हैं? आप लोग गौर कीजिए। और एक चीज और मैं कहूंगा कि पंचायत हो या पूरा ब्लॉक हो, अगर ऐसे लोगों के माध्यम से आप लोग कोई काम करवाते हैं और कुछ भी पैसा दे करके काम करवाते हैं, तो ये आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी काम करवाना है, निःशुल्क करवाना है, बिना पैसा के काम करवाना है। अगर आपका काम नहीं होता है, अगर किसी गरीब को 1500 की वजह से उसका काम रुक रहा है, गरीब का, उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग ऐसे चमचा लोगों को पैसा मत दे करके कोई काम करवाइए। कोई काम होगा 1000 रुपये का, ये आपसे चार्ज करेगा 2000 रुपया, कोई काम होगा 150 का, ये आपसे चार्ज करेगा 600 रुपया। इसी तरीके से इसकी रोजी रोटी चलती है, इसी तरीके से इसकी रोजी रोटी, कसम से दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। कभी आप दिल की गहराइयों से सोच करके देखिएगा, दिल की गहराइयों से आप लोग कभी सोच के देखिएगा, मैं ये सच कह रहा हूँ। और मैं ये बहुत जल्द साबित भी कर दूंगा कि कौन कौन दलाल किस किस से कितना कितना पैसा लेता है, इसका लिस्ट हमारे पास बहुत जल्द आने वाला है, और मैं आप लोगों को ये साबित कर दूंगा। और मैं ये बता दूंगा
कि कौन कौन दलाल किस किस का क्या क्या कर रहा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और एक कमेंट करके सजेशन दीजिएगा इस वीडियो में मैंने क्या गलत कहा है और मैंने क्या सही कहा है। सबसे पहले वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, एक शेयर करने से वीडियो आगे चली जाएगी और आगे के लोगों को भी जानकारी हो जाएगी कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो बराए मेहरबानी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त रिजवान, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।